इन लोगों को कहां से आप चर्चा में बुला लेते हैं? 50 रुपए दिहाड़ी वाले किसी की हिम्मत एजेंसी से जांच करने, किसी चैनल की है हिम्मत कि जो रास्ते दिए गए उस रास्ते पर बैरिकेटिंग थी दिखाने की है किसी चैनल की हिम्मत? किसान आंदोलन की किरकिरी बचाने के लिए आपको कोई फक्र नहीं है लता मंगेशकर पर? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको कोई मीडिया में रोज किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट देखने को मिलती है। इन डिबेट्स में ज्यादातर सवाल विपक्ष के नेताओं से होते हैं, पर कभी कभी विपक्ष के नेता सरकार के नेताओं पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने पर सरकार के नेता विपक्षी नेताओं को काफी कुछ गलत भी बोल जाते हैं। ऐसे ही कुछ डिबेट्स आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में जब CPI नेता विवेक श्रीवास्तव अपने जवाब में आंदोलन को लेकर सरकार की आलोचना करने लगे तो संबित पात्रा बीच में बोलने लगे, पर जब विवेक लगातार सरकार से सवाल करते रहे तब संबित ने उन्हें गलत बोलना शुरू कर दिया। ये सब देखे आप क्या सोचते हैं मियां खलीफा के साथ खड़े होंगे और लता मंगेशकर को नरेंद्र मोदी से कहीं बड़ा करेगा? नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी को आपने भारत बना दिया। ये आ गए, ये आ गए मियां खलीफा के भाई, आ गए नरेंद्र मोदी हैं कल को, ये आ गए, आ गए ये आ गए आपके अटल बिहारी विवेक खलीफा जी हैं, कोई और है? ये देखिए जरा ये विवेक खलीफा जी को देखो जरा, कुछ नहीं होता, गंभीर से बात करिए। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्या थोड़ी शर्मिंदगी, वाह वाह, गंभीरता, मियां खलीफा कोई गंदी चीज है क्या? जब मैं तो उनका नाम लिया बिल्कुल, आप बताओ मियां खलीफा को पसंद नहीं करते आप लोग? तो मियां खलीफा का ट्वीट कर रहे हैं, मियां खलीफा के की सरकार मियां, अरे आप पहले बताओ नहीं, आप बताओ मियां खलीफा के भाई साहब, अरे ये मियां खलीफा का नाम जो आप लोगों ने कलंकित किया, मैं तो पूरा सुनना, देखो देखो ये विवेक खलीफा जी को चुप कराओ जरा। आपकी बात अमित भाई, ये कहां से खलीफा, मोदी खलीफा, अरे आप पहले खलीफा बनने, हमारे पास तो मोदी है, हमारे प्रधानमंत्री में है, कौन सा नाम बताओ, नाम तो बताओ, कम्युनिस्ट पार्टी में कौन है बताओ नाम। ABP न्यूज पर रिहाना के ट्वीट को लेकर डिबेट में जब कांग्रेसी नेता सरकार से सवाल करने लगे तो डिबेट में मौजूद भाजपा नेता गौरव भाटिया बीच में टोकते दिखाई दिए। जब कांग्रेस नेता लगातार बोलते रहे तो गौरव भाटिया गुस्से में आते दिखे और कांग्रेस नेता को डांट लगाने लगे। आप मुझे बताइए जांच किसकी होनी चाहिए? पालगढ़ में हमारा एक भाई था, ठीक है, देवी सेलर, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए, इनको ढोगलापन है भाई आप लोगों का, आप चर्चा में बुला लेते हैं 50 रुपए दिहाड़ी वाले, इनके प्रवक्ता छोड़िए, भूमिका जी इनको कंट्रोल कर लीजिए, चुप कराइए, इनके बीच में कोई बोला था गौरव भाटिया और शर्मा? एक सेकंड, आज हम अभी हम संसद के उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे थे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज मतभेद होने के बावजूद मनभेद नहीं रख रहे थे, इनफैक्ट वो गुलाम नबी आजाद के लिए इमोशनल हो गए। आप दोनों उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक उस पार्टी से जो इमोशनल हुआ दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले शख्स के लिए, और आप लोग यहाँ पर इस तरीके का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। इन डिबेट्स में एंकर भी चुप ही दिखाई दिए। एंकर अक्सर विपक्ष के नेताओं से सवाल करते हैं और जब वे जवाब देने लगते हैं तो बार बार टोका जाता है, जिस वजह से विपक्षी नेता एंकर को सुना भी देते हैं। इंडिया टुडे पर किसान नेता राकेश टिकैत का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने राकेश टिकैत को सवाल में घेरने की कोशिश की। अपने जवाब में राकेश टिकैत ने मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर एंकर परेशान होते दिखाई दिए और टिकैत को बोलने लगे, पर टिकैत ने एंकर के सवालों का करारा जवाब दिया। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या सबूत है आपके पास कि यह साजिश थी? साजिश थी तो किसकी साजिश थी और क्यों साजिश थी, और उसको एस्टेब्लिश करने के पास आपके पास क्या प्रमाण है? तो साजिश ये है कि उसको रास्ता दिया गया वहां से सरकार के द्वारा, उनको कहा गया कि इनको लाल किले पे भेजो, इनको बदनाम करो, किसी की हिम्मत एजेंसी से जांच करने, किसी चैनल की है हिम्मत कि जो रास्ते दिए गए उस रास्ते पे बैरिकेटिंग थी दिखाने की है किसी चैनल की हिम्मत? हमको पता है कि चैनल के ऊपर भी बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है, ये पता है हमको। कोई पत्रकार अगर दिखाने की कोशिश करेगा उसको नोटिस दिए जाते हैं, कोई पत्रकार दिखाने की कोशिश करेगा उसको जेलों में बंद करा जाता है, हमें पता है आपकी मजबूरी सबको। आप कमाल हो, आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, सबसे पहले मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी मेहमान हमारे इंतजार कर रहे हैं जिनसे अभी मैं बहस करने वाला हूँ, और आप कह रहे हो कि हम डरे हुए हैं या हम किसी के दबाव में, अगर हम किसी के दबाव में होते तो आप लाइव होते ही नहीं, आपकी बात ही नहीं निकलती।
एबीपी न्यूज पर बॉलीवुड स्टार्स के ट्वीट को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बॉलीवुड स्टार्स पर की गई कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता से सवाल किए गए। जब वे जवाब देने लगे तो एंकर ने उन्हें बीच में टोक दिया, जिस पर शिवसेना नेता ने उन्हें खूब सुना दिया। तिवारी जी, आप क्या फक्र करेंगे सचिन तेंदुलकर? उनको ट्वीट जो किया है वो किसी और ने किया है क्या? अरे ट्वीट किसी और ने किया है क्या? बीजेपी के आईटी के बच्चे दिखते हैं, इंक्वायरी हो रही है। तिवारी जी, मुझे ये बताइए, लता मंगेशकर दूध पीती बच्ची है? नहीं, आप है ना मेरे सरकार की भूमिका पर जो ऑब्जेक्शन ले रही है वो मुझ पे अन्याय करने वाला है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर और ये सब खिलाड़ी और लता मंगेशकर, ये हमको देवता तरीके है, लेकिन इसका भी दुरुपयोग बीजेपी सरकार किसान आंदोलन की किरकिरी बचाने करता है, ये गलत है। झूठ, किसान आंदोलन की किरकिरी बचाने के लिए आपको कोई फक्र नहीं है लता मंगेशकर? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको कोई तुम डिसाइड करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अगर आपको आप कह रही हूँ तो आप जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी के हथकंडों से मैं वाकिफ हूँ। हम यही उम्मीद करेंगे कि गोदी मीडिया सही और जनता के मुद्दों पर डिबेट करे और सरकार के नेताओं से इन मुद्दों पर जवाब ले। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।